चैनल एलिगेंट गर्ल शर्मी। तो मैं शर्मिष्ठा आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो एक्टिवेटेड चारकोल पील अप मास्क मैंने लिया था उसका रिव्यू। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है डू सब्सक्राइब माई चैनल, एंड सब्सक्राइब बटन के पास देखिए अगर बेल आइकन है उसको भी आप ज़रूर हिट कर दीजिए, तो अगला जब मैं वीडियो डालूँगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा सबसे पहले। तो ये ट्यूब फॉर्म में आते हैं एक्टिवेटेड चारकोल पील ऑफ मास्क, और इसका गुड वाइब्स का जो एक्टिवेटेड चारकोल उसका 100 ग्राम का प्राइस है 249। मैं पर्पल से लिया था और पर्पल से कुछ ऑफर था तो डिस्काउंट प्राइस में मुझे मिल गया था, और वो 2 साल तक चला जाएगा। और ये पैराबिन फ्री है, नो सल्फेट, क्रुएल्टी फ्री है और नो मिनरल ऑयल। और एक्टिवेटेड चारकोल फेस मास्क क्या होता है, आपका अगर स्किन पे कोई गंदगी है, डार्ट है, तो उसको वो खींच के निकालते हैं। तो आपको इस फेस मास्क को ज़रूर ट्राई करना चाहिए। और एज ग्रुप के अगर मैं बात करूँ तो जो 20 इयर्स हो गया है वो ही ये फेस पैक को यूज़ कर सकते हैं, और ऐसे ही दैट्स इट। अगर आपको ब्लैक हेड व्हाइट हेड्स का प्रॉब्लम है तो ज़रूर आप इस फेस मास्क को, पील ऑफ फेस मास्क को यूज़ कीजिए। तो वैसे क्या होता है, जो हम लोग डेली जो फेस वॉश यूज़ करते हैं उससे पूरा जो फेस के अंदर जो डार्ट है, ऑयल है, वो पूरा निकाल नहीं पाते हैं। तो इसलिए चारकोल क्या करता है, उस डार्ट को, ऑयल को खींच के निकालते हैं। तो हफ्ते में आप एक बार ज़रूर इसको यूज़ कीजिए। तो अगर आप चाहते हैं कि इस फेस मास्क से आप अच्छे से अच्छा रिजल्ट पाए, तो पहला तो ये चारकोल फेस मास्क है, ऊपर से ये पील ऑफ फेस मास्क है, उसके बाद भी अगर आप अच्छे से ब्लैक हेड व्हाइट हेड्स को निकालना चाहते हैं तो उसका एक प्रोसेस है, आप स्टीमिंग ले लीजिए। ठीक है, तो आप स्टीमिंग ले लीजिए 4 या 5 मिनट्स का, उसके बाद आप ये फेस मास्क को अप्लाई कीजिए। ठीक है, तो मैं डेमो में दिखाने वाली हूँ कैसे आप स्टीमिंग लेंगे, उसके बाद इस फेस मास्क को यूज़ कीजिए। तो अगर हम लोग स्टीम लेते हैं उसके बाद इस मास्क को यूज़ करते हैं तो क्या होता है, स्टीम लेने के टाइम पे, स्टीम लेने के बाद हमारा जो पोर्स है, स्किन का जो पोर्स है वो ओपन हो जाता है, और ओपन होने के बाद अगर हम लोग ये मास्क यूज़ करते हैं तो जो ब्लैक हेड व्हाइट हेड्स हमारे स्किन पे है, जो डार्ट पॉल्यूशन है, उसके साथ ये मास्क चिपक जाते हैं। तो चिपकने और ये 20 मिनट्स रखने के बाद जो ड्राई हो जाते हैं, ड्राई होने के बाद हम अगर ये मास्क को रिमूव करते हैं तो तभी क्या होता है, वो ब्लैक हेड व्हाइट हेड्स को लेकर ये रिमूव होते हैं, तो बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। वाटर को बॉयल कीजिए, और बॉयल करने के बाद आप 4 to 5 मिनट्स ऐसे स्टीम लीजिए। उसके बाद देखिएगा, मैंने स्टीम ले लिया है 4 to 5 मिनट्स, और स्किन में जो पोर्स है वो भी ओपन हो गया है। उसके बाद अच्छे से आप कोई हैंडकरचीफ या टॉवल से ड्राई कर लीजिए फेस को, अच्छे से ड्राई कीजिए। ठीक है, अच्छे से ड्राई करने के बाद आप जो पैक है उसको आप अप्लाई कर लीजिए। तो अच्छे से पहले ड्राई कीजिए, उसके बाद ही आप अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, तो चारकोल क्या करता है, चारकोल इफ़ेक्टिवली हमारे स्किन को क्लींस करते हैं, और पोर्स जो क्लॉग हो जाते हैं उसको अनक्लॉग करते हैं। और हम जो डेली बेसिस में फेस वॉश लगाते हैं उससे कभी कभार जो डार्ट है, पॉल्यूशन है, ऑयल है, वो निकालते नहीं हैं, लेकिन चारकोल से क्या होता है, वो इम्प्यूरिटीज़ को रिमूव करते हैं। तो चारकोल का पैक या फेस मास्क यूज़ करने से आपका स्किन सपल, स्मूथ और इवन टोन्ड हो जाते हैं। तो चारकोल डीप पोर क्लिनजिंग है, और ऑयल को बैलेंस करते हैं, जेंटल एक्सफोलिएशन के काम करते हैं, और स्किन को स्मूथ एंड रिफाइंड करते हैं। तो मैंने आप लोगों के साथ डेमो भी शेयर किया है, तो मैं पूरा मास्क को लगा लिया है अपनी स्किन पे, थिक लेयर अप्लाई किया है, तो उसको मैं 20 मिनट्स के लिए छोड़ दूँगी। तो ऑलवेज थिक लेयर अप्लाई कीजिएगा। देखिए वो सूख गया है ऑलमोस्ट, तो मैं आप लोगों के सामने ही ये पैक को रिमूव करूँगी।
तो देखिए मैं स्किन से जो मास्क है वो हटा दिया है, और एक बार यूज़ करने से मेरा जो ब्लैक हेड वाइट हेड्स है वो एकदम से रिमूव हो गया है। जो मेरे नोज़ पे जो ब्लैक वाइट हेड्स थे, जो चिन पे जो वाइट हेड्स थे, वो एकदम से रिमूव हो गया है। और लास्ट में मैं दिखाऊंगी कि जो पिलअप मास्क मैंने रिमूव किया है उसमें कैसे मेरा फेशियल हेयर ब्लैक हेड वाइट हेड्स कैसे रिमूव होके आया है। तो देखिए ये मेरा पील अप मास्क है जो मैंने रिमूव किया है, उसमें कैसे ब्लैक हेड वाइट हेड्स और जो फेशियल छोटा छोटा जो फेशियल हेयर है वो कैसे ये निकाल के आया है। तो आप ज़रूर इस मास्क को ट्राई कीजिए,